नेताजी भवन चलें, जहां हमारे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं, राहुल सिन्हा वहां से मौजूद हैं। नेताजी भवन को सुभाष चंद्र बोस के पिताजी ने 1909 में बनाया था और वहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ देर पहले राहुल सिन्हा ने ही आपको ये बताया कि वहां पर बाहर का जो सुरक्षा घेरा है, वहां पर वेस्ट बंगाल पुलिस है, लेकिन अंदर की तरफ केंद्रीय एजेंसियों ने कमान संभाल ली है। और क्या तैयारियां चल रही हैं वहां पर, और क्या लोगों में भी ये बात पहुंच गई, लोग भी इस पर बात करने लगे क्या, देश नायक वर्सेस पराक्रम, नाम बदला जाना है नहीं बदला जाना, कौन बाहरी कौन भीतरी, ये सब बातें क्या राहुल सिन्हा के कानों में भी पड़ रही हैं क्या? राहुल दिनेश, देखिए एक दिलचस्प पहलू देखने को मुझे कोलकाता में खासतौर से मिला कि जब मैं कोलकाता की गलियों में घूम रहा था तो टीएमसी और बीजेपी को छोड़ करके एक आम आदमी अपने घर के बाहर जगह जगह नेताजी की तस्वीर लगा करके उस पर फूलमाला चढ़ा करके अपने हिसाब से उनको याद कर रहा था। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और मुझे लगता है शायद ये बात राजनीतिक पार्टियां अच्छी तरीके से जानती हैं कि नेताजी को लेकर के यहाँ के लोगों के सेंटीमेंट्स किस तरीके के हैं। तस्वीरें आपको देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय पहुँच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी 4 की बात करें, 40 राजधानी की बात करें, लेकिन उनकी खुद की राजधानी अब रहने वाली है नहीं। तो कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार ये है कि वर्चस्व की लड़ाई में, क्योंकि ये मुद्दे नए नहीं हैं, पिछले कुछ वक्त से खासतौर से जो कल्चर से जुड़े हुए मामले हैं उसमें बीजेपी और टीएमसी एक तरीके से एक दूसरे को जहां भी हो सकता है नीचे करने में, एक दूसरे को कम दिखाने में कोशिश में लगी हुई है। और ये तस्वीर आज आपको यहाँ भी देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन आज ममता बनर्जी के लिए एक मुश्किल ये है कि वो भारत सरकार के कार्यक्रम पर जा रही है, प्रोटोकॉल है, और उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें उस मंच को साझा करना पड़ेगा जहां पर प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री अभी आने ही वाले हैं, मुझे लगता है मुश्किल से अभी कैलाश विजयवर्गीय बता के गए हैं, 5 से 7 मिनट बैठे हैं, उसके बाद में वो यहां पर मौजूद होंगे और उसके बाद अंदर लगभग 10 से 15 मिनट का कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है, जिसके बाद वो नेशनल लाइब्रेरी की तरफ जाएंगे। यहाँ नेताजी भवन में पहुँचने के बाद नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे और नेशनल लाइब्रेरी से जब वो निकलेंगे तो पहुँचेंगे विक्टोरिया मेमोरियल, जहाँ हमारे संवाददाता आमोद राय आपको नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा तमाम मेहमान भी अब मैं उम्मीद करता हूँ हमारे साथ जुड़ चुके होंगे और उनको सबको मेरी आवाज़ जा रही होगी। सबसे पहले मैं प्रियंका टिबरीवाल जी के पास जाकर ये जानना चाहता हूँ कि प्रियंका जी, पराक्रम दिवस इस नाम पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए नमस्कार, पहले तो माफी चाहूंगी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रही थी उस वक्त। दूसरी बात ये कहूंगी कि देखिए एक बहुत बड़ी कहावत है दैट व्हाट इज देयर इन अ नेम, तो मैं ये नहीं समझ पा रही कि आज जब नेताजी हमारे लिए इतने मायने रखते हैं, पूरे भारतवर्ष के लिए मायने रखते हैं, और जो लोग सिर्फ पश्चिम बंगाल से रिलेटेड अगर ये कहते हैं कि वे पश्चिम बंगाल के बेटे थे, जी बिल्कुल थे, मगर उसी तरह वो जो थे वो एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और वो पूरे देश के लिए उतना ही गौरव लेकर के मायने रखते हैं जितना कि पश्चिम बंगाल के लिए। तो मैं कहती हूँ ये नाम का झगड़ा क्यों, और अगर ऐसा ही था तो ममता बनर्जी ये बात आज क्यों उठा रही हैं? इतने दिनों से वो सरकार में है, इतने सालों से वो राजनीति कर रही है, जब कांग्रेस थी तब भी ममता बनर्जी थी, देश नायक नाम जो है वो आज ममता बनर्जी ने नहीं दिया, ये पहले से था। तो अगर यही बात थी तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस के समय क्यों नहीं ये कहा कि ये नाम होना चाहिए, तब क्यों चुप रही? आज जब एक डिसीजन होता है उस बात को लिया जाता है तो आप सिर्फ राजनीति करने के लिए ये बात को उठा रही हैं, ऐसे मुद्दे को उठा रही हैं, और तो कभी आपने ये बात कभी कही नहीं थी। अच्छा, दूसरा आप आरोप लगाती हैं कि सेंटर जो है वो राज्य के साथ किसी भी चीज की चर्चा नहीं करता या उनसे इस बारे में मशवरा नहीं किया। तो मैडम आप मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ पर कि मैं आपको 3 तारीखें बता रही हूँ, 6 मई 2019 जब ममता बनर्जी ने साइक्लोन फनी पर बात करने से इनकार कर दिया ये कहते हुए आई एम नॉट योर सर्वेंट, ये बात उन्होंने सेंटर को कही थी। 1 अप्रैल 2020 जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से मना कर दी। 16 जनवरी 2020 जब उन्होंने एनपीआर की मीटिंग अटेंड करने से मना कर दी। उसके बाद आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार मनमानी कर रही है, आप तो केंद्र सरकार को कुछ समझती ही नहीं, आप तो उनके साथ मिलकर काम ही नहीं करना चाहती। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।